आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है, इफ एक्स एंड वाई वेरी इनवर्स टू ईच अदर एंड एक्स इज इक्वल्स टू 3 एंड वाई इज इक्वल्स टू 8, फाइंड वाई व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 4। और भी पार्ट्स हैं, तो चलिए हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। हमें पता है फॉर इनवर्स रिलेशन हमारी कंडीशन क्या होती है। हमारी कंडीशन होती है अगर एक्स और वाई इनवर्स में है तो ये होता है एक्स वाई इज इक्वल्स टू के, वेयर के इज योर कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट ये है कि एक्स इज इक्वल्स टू 3 व्हेन वाई इज इक्वल्स टू 8। तो हम अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इक्वेशन नंबर 1 से हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो 3 इंटू 8 विल बी k, तो k की वैल्यू क्या आ गई? 24 आ गई, यानी हमारा कॉन्स्टेंट जो है 24 आ गया। अब कहा गया है दैट फाइंड y व्हेन x इज इक्वल्स टू 4। नाउ व्हेन x इज इक्वल्स टू 4, इक्वेशन 1 गिव्स 4y इज इक्वल्स टू k व्हिच इज 24, सो y इज इक्वल्स टू 24 बाय 4 व्हिच इज 6। So this is the answer of first part. ठीक है, अब second part. Second part में कहा गया है that x is equals to 5 when y is equals to 15. X is equals to 5 when y is equals to 15. तो हम दोबारा equation number 1 से k की value निकाल लेंगे। k हो जाएगा हमारा 5 into 15 which is your 75. ठीक है, अब कहा गया है find x when y is equals to 12. Okay, now when y is equals to 12 हो जाएगा 12x is equals to 75, x will be 75 by 12. ठीक है, ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट की तरफ पढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है? थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है x is equals to 3, find y when constant of variation is 900। पार्ट में हमें क्या दे रखा है? थर्ड पार्ट में हमें x की वैल्यू 3 दे रखी है और k की वैल्यू 900 दे रखी है और कहा गया है y निकालो। ठीक है, तो हम इक्वेशन नंबर 1 से कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में हमें क्या कहेगी? 3y इज इक्वल्स टू 900, y इज इक्वल्स टू 900 बाय 3 व्हिच इज योर 300। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या था हमारा? फोर्थ पार्ट था कि y इज इक्वल टू 35, फाइंड x व्हेन कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इज 7। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 35 दे रखा है, x हमें निकालना है और k की वैल्यू हमें 7 दे रखी है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? हमारी इक्वेशन बन जाएगी 35x is equals to 7। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 7 by 35 और x is equals to 1 by 5। ये हमारा आंसर हुआ। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।